मध्य प्रदेश में होने वाले 28 नवंबर को मतदान में थोड़े ही दिन बाकी हैं और बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने अरुण यादव को उतारकर भाजपा में हलचल मचा दी है। वहीं बुधनी विधानसभा में अरुण यादव के साथ के मिश्रा को भेजा है, जो पूरी तरह अपडेट रहेंगे और शिवराज सिंह चौहान के विकास की पोल खोलेंगे। आइए एक नजर डालते हैं के मिश्रा के साथ EMS TV के संवाददाता नितिन ठाकुर की हुई खास बातचीत पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बचे हुए हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री की विधानसभा बुधनी जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी अरुण यादव जी जिनको उतारा है, मगर मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसको पूरा के मिश्रा संभालेंगे और यहां पर बार रूम भी तैयार हो चुका। हम बात करेंगे के मिश्रा जी से, आपको बुधनी विधानसभा में प्रमुखता से लाया गया है, तो क्या शिवराज के सामने चुनौती रहेगी, कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे नेता अरुण यादव जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है और उनकी उम्मीदवारी श्री शिवराज सिंह जी को घेरने के लिए नहीं, उनकी उम्मीदवारी का फैसला स्वयं राहुल गांधी जी ने शिवराज जी को परास्त करने के लिए किया है और मुझे यकीन है कि कांग्रेस की दौलत जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी बदौलत हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। अरुण यादव जी यहाँ से विजयी होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के साथ पूरे प्रदेश की जनता को यदि किसी चेहरे से घृणा है तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान का है, और जब प्रदेश की जनता उनसे घृणा कर रही है तो बोला बुधनी की जनता जो अभी तक तिरस्कार, अपमान, विकास के झूठे वायदे और भ्रष्टाचार के दबाव में दबी हुई थी, शासन तंत्र के दुरुपयोग से दबी हुई थी, रेत माफियाओं के साम्राज्य ने माँ रेवा को माँ रेता के रूप में तब्दील कर दिया है, उसका बदला लेगी यहाँ की जनता। मिश्रा जी, यहाँ पर 15 साल 13 साल से ज़्यादा हो गया शिवराज को यहाँ पर, उन्होंने विकास भी करा है, एकदम अरुण यादव को यहाँ पर उतारते रहे तो अरुण यादव किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ नर्मदा जो अवैध उत्खनन होता है और किसानों के जो मृत्यु हुई है कर्ज से, ये दो मुद्दे हैं, बाकी कोई इससे सिवा कोई मुद्दा है ही नहीं आपके पास? मुद्दा कौन सा नहीं है? यदि विकास की परिभाषा आप लोगों को या बुधनी की संभ्रांत जनता को देखना हो तो विकास किसे कहते हैं, या तो छिंदवाड़ा में जाकर देखा जा सकता है कमलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, या फिर अरुण यादव जी के पिता स्वर्गीय सुभाष यादव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में खरगोन उनके ज़िले में देखा जा सकता है कि वो जिला आज उन्नत कृषि, उन्नत शिक्षा, उन्नत इंजीनियरिंग के रूप में पंजाब और अन्य देशों को कंप्यूट कर रहा है। यहाँ विकास किसका हुआ है? सिर्फ चौहान परिवार का विकास हुआ है, नरेंद्र सिंह मारसाद का विकास हुआ है, प्रद्युम्न सिंह चौहान का विकास हुआ है, 1000 रेत की गाड़ियाँ प्रशासन की आंखों में धूला झोंकते हुए रोज बुधनी की सड़कों पर, नर्मदा के तटीय क्षेत्रों से निकल रही है। आप BJP पे आरोप लगा रहे हैं, मगर कांग्रेस के कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनके भी डंपर चल रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या किया? हम देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपसे, हम रेत के अवैध उत्खनन के अभियान के प्रणेता और उसके नेतृत्वकर्ता शिवराज सिंह जी चौहान पर हमला कर रहे हैं, उनको चाहिए कि निष्पक्षता से काम करें। करीब 5000 डंपर पिछले 14 सालों में सिर्फ बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही क्यों खरीदे गए हैं? वो डंपर किसके हैं? रेत का अवैध उत्खनन 24 घंटे कौन कर रहा है? मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कि पूरा होमवर्क करके आए हो आप बुधनी विधानसभा में, आप चुनाव से एक तरह से, मगर जो रेत का मामला उसको लेकर पूरा होमवर्क आपके पास तैयार है, ऐसा लग रहा है कि रेत के अलावा हमारे पास ड्राइडेड और वर्धमान के भी मुद्दे हैं। अच्छा, हम लोग थीसिस करके आए हैं, यहाँ से कुर्ता पजामा लेकर या पेंट शर्ट लेकर नहीं आए हैं, चुनाव लड़के फॉर्मेलिटी करके जाना है, यहाँ जीत के लिए आए हैं और जनता को हकीकत बताने निडरता के साथ आए हैं। हमारे साथ मौजूद है के मिश्रा, जो मीडिया मैनेजमेंट यहाँ पर पूरी तरह से संभाल चुके हैं और सीधा सीधा उन्होंने BJP पे हमला बोल दिया। सीहोर से कैमरामैन विजय के साथ नितिन ठाकुर की।